बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का 16 नंबर चैप्टर द हॉलो ड्रम। हॉलो का मतलब होता है खोखला, ड्रम का मतलब है ढोल, एक खोखला ढोल। वंस अपॉन ए टाइम ए हंग्री फॉक्स रोम्ड हेयर एंड देयर इन द फॉरेस्ट। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है, हंग्री का मतलब है भूखा, फॉक्स का मतलब है लोमड़ी, रोम्ड का मतलब है भटकना, हेयर एंड देयर का मतलब है यहाँ वहाँ, फॉरेस्ट का मतलब है जंगल। एक बार की बात है, एक भूखी लोमड़ी जंगल में इधर उधर भटक रही थी। ही लुक्ड फॉर फूड बट कुड नॉट गेट एनी। लुक्ड का मतलब होता है देखना या तलाश करना, फूड का मतलब है भोजन, गेट एनी का मतलब होता है कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। लोमड़ी ने जंगल में भोजन की तलाश की किंतु उसे कुछ भी नहीं मिला। एज ही पास्ड बाई ए ट्री देयर कैम ए साउंड बैंग, ही वॉज एक्सट्रीमली फ्रिटेड। पास्ट का मतलब होता है नजदीक, ट्री का मतलब होता है पेड़, साउंड का मतलब होता है ध्वनि, बैंग का मतलब होता है एक जोरदार धमाका, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, फ्रिटेड का मतलब होता है डरना। जब लोमड़ी पेड़ के पास से जब लोमड़ी पेड़ के पास गई तो उसने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, वो बहुत ज्यादा डर गई। ही सेंस्ड सम डेंजर देयर। सेंस्ड का मतलब होता है अनुभव करना, डेंजर का मतलब है खतरनाक। लोमड़ी ने अनुभव किया कि यहाँ कुछ खतरनाक हो सकता है। ही रैन फ्रॉम देयर। रैन का मतलब होता है भागना। जब लोमड़ी को अनुभव हुआ कि यहाँ कुछ डेंजर हो सकता है तो वो वहां से भाग गई। ही स्टॉप्ड एट सम डिस्टेंस व्हेन ही फाउंड दैट देयर वाज नॉट एनीवन कमिंग बिहाइंड हिम। स्टॉप्ड का मतलब होता है रुकना, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, सम का मतलब होता है कुछ, एनीवन का मतलब होता है कोई भी नहीं, कमिंग का मतलब होता है आना, बिहाइंड हिम का मतलब होता है पीछा करना। जब लोमड़ी ने देखा कि उसके पीछे कोई भी नहीं आ रहा, उसका कोई भी पीछा नहीं कर रहा, तो वो कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। ही वेटेड देयर। वेटेड का मतलब होता है इंतजार करना। लोमड़ी ने इंतजार किया। व्हेन ही सा नो मूवमेंट ही वेंट बैक टू द ट्री फ्रॉम वेयर द साउंड हैड ऑर्गेनाइज्ड। लोमड़ी ने इंतजार किया, जब उसने देखा कि कोई भी हलचल नहीं हो रही है तो वो वहां उस पेड़ के पास वापस गई जहां से वो आवाज आई थी। ही सा ए ड्रम देयर। सा का मतलब है देखना, ड्रम का मतलब है ढोल। लोमड़ी ने वहां एक ढोल देखा। ही सा दैट द ड्रम गिव ए लाउड साउंड व्हेन एवर द ब्रांचेस ऑफ द ट्री स्टक इट। ही कैम नियर एंड स्मेल इट। सा का मतलब है देखना, ड्रम का मतलब है ढोल, गिव का मतलब होता है देना, लाउड का मतलब होता है तेज, साउंड का मतलब है आवाज, ब्रांचेस का मतलब होता है पेड़ की टहनी या शाखा, स्ट्रक का मतलब होता है चोट करना। लोमड़ी ने जब देखा कि जो पेड़ की टहनियां या शाखाएं हैं ड्रम पर चोट करती हैं तो उसमें बहुत तेज आवाज आती है। ही कैम नियर एंड स्मेल इट। कैम नियर का मतलब है नजदीक जाना, स्मेल का मतलब है सूंघना। लोमड़ी ने उस ढोल को स्मेल किया, उसे सूंघा। इट वॉज मेड ऑफ लेदर। मेड का मतलब होता है बनना, लेदर का मतलब होता है चमड़ा। जब लोमड़ी ने उस ढोल को स्मेल किया तो उसे पता लगा ये ढोल चमड़े से बना हुआ है। सीइंग इट मेड फॉर लेदर ही वॉज हैप्पी। जो ढोल था वो लेदर से बना हुआ था, जब लोमड़ी को ये बात पता लगी तो वो बहुत खुश हुई। ही थॉट दैट द ड्रम वॉज फुल ऑफ मीट। थॉट का मतलब होता है सोचना, फुल का मतलब होता है भरा हुआ, मीट का मतलब होता है मांस। लोमड़ी ने सोचा कि ये जो ड्रम है वो पूरा मांस से भरा हुआ है। आई कैन ईट इट ओवर ए फ्यू डेज ही सेड टू हिमसेल्फ। ईट का मतलब होता है खाना, फ्यू डेज का मतलब होता है कुछ दिन, हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं। लोमड़ी ने सोचा ये जो ड्रम है ये पूरा मांस से भरा हुआ है तो वो उसे कुछ दिन तक इस मांस को खा सकती है, उसने ऐसा खुद से कहा। द लेदर वॉज क्विट हार्ड। लेदर का मतलब होता है चमड़ा, हार्ड का मतलब होता है कठोर। जो चमड़ा था वो कठोर था। ही हैड टू वर्क हार्ड टू कट थ्रू इट। वर्क हार्ड का मतलब होता है कठिन मेहनत करना।
कट का मतलब होता है काटना। जो लेदर था वो कठोर था, इसलिए लोमड़ी को लेदर को काटने में काफी मेहनत करनी पड़ी। वेन ही वॉज एबल टू कट थ्रू द लेदर, एबल का मतलब होता है योग्य, किसी को कार्य को करने में योग्य होना। कट का मतलब होता है काटना, लेदर का मतलब है चमड़ा। जब लोमड़ी ने उस चमड़े को काट लिया, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना। जब लोमड़ी ने उस चमड़े को काट लिया तो वो निराश हुई। बिकॉज द ड्रम वॉज हॉलो इनसाइड, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ड्रम का मतलब है ढोल, हॉलो का मतलब है खोखला, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। जब लोमड़ी ने उस चमड़े को काट लिया काफी मेहनत करने के बाद, तो वो बहुत ही निराश हुई क्योंकि उसने देखा जो ड्रम था, जो ढोल था, वो अंदर से खोखला था। द फॉक्स हैड टू रिमेन हंग्री, फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी, रिमेन का मतलब होता है रहना, हंग्री का मतलब होता है भूखा। जब लोमड़ी ने उस लेदर को काट लिया तो उसने देखा कि जो ड्रम है वो तो अंदर से खोखला है, इसलिए उसे निराशा हुई और उसे भूखा ही रहना पड़ा। ओके, थैंक यू बच्चों।